सोनोटेक कैसेट्स। अरे कपड़े धोती रहेगी, रोटी बना ले, बहुत तेज भूख लग रही है। आप 10 मिनट रुको, मैं अभी बना के लेके आती हूँ। क्या अब तक खाना नहीं बना? ऐसा नहीं है, सब्जी बनी रखी हुई है, सिर्फ रोटी बनानी है। तुझसे ना मैंने शादी करके अपनी किस्मत खराब कर ली। तूने कभी मुझे खाना टाइम से दिया कभी है? ऐसा नहीं है, सर्दियों में गर्म रोटी खानी चाहिए। ओए सुन, यहाँ खड़ी होगा ना, मुझे भाषण मत दे, जाकर खाना बना मेरे लिए। आप बैठो चल के, मैं अभी लेके आती हूँ। ए भगवान, ऐसी मैंने कौन सी गलती कर दी जो मुझे ऐसी बहू मिली है? काम कर आ रहे हैं, खाना टाइम से नहीं मिल रहा, कितना दिमाग खराब है। सुनो जी। हाँ सुना, पिछले 3 साल से तेरी तो सुन रहा हूँ, और किसकी सुन रहा हूँ मैं? वो गैस खत्म हो गई है, सिलेंडर ले आओ। सिलेंडर की छोड़, पहले ये बता 2-4 रोटी बनी या नहीं? बनती कैसे, गैस जलाते ही सिलेंडर खत्म हो गया। ये बता तूने रोटी खा ली या नहीं? नहीं जी, अभी तक तो मैंने भी नहीं खाई। क्या तूने अभी तक रोटी नहीं खाई? नहीं। तुझे भूख नहीं लग रही? नहीं जी। हाँ तुझे रोटी की क्या जरूरत है, ये तो मेरा खून पीने की जरूरत है सुबह सुबह। ये आप क्या कह रहे हो, लगता है दोस्तों के साथ रह के तुम बदलते जा रहे हो। हाँ बदलने को तो मैं मौसम हूँ, और क्या कहा तूने, मैं अपने दोस्तों के साथ बदलता जा रहा हूँ? क्या बदल गया भाई मैं? और पहले एक बात बता, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों को भला बुरा कहने की? देखो जी, तुम जरा जरा सी बातों पे नाराज हो जाते हो, पर एक बात हमेशा याद रखना। देखो जी, आज की दुनिया मतलब की दुनिया है, कोई किसी का दोस्त नहीं है। क्या कहा तूने, एक बात हमेशा याद रखना, मेरे दोस्त को ना बुरा भला कहने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तुझे जान से मार दूंगा। आप शायद भूल गए हो, आज की दुनिया मतलब की दुनिया है, गैरों से ज्यादा अपने ही दर्द देते हैं। यू बात तो बिल्कुल ठीक कह रही तू, जब मेरे घर में दुश्मन है तो मेरे तो बाहर दुश्मन बनेंगे ही। क्या तुम अपने मुझे दुश्मन मानते हो? हाँ मानता हूँ, क्या करेगी तू? आखिर मैं कर भी क्या सकती हूँ सिवाय अपनी किस्मत को कोसने के अलावा। ओए यहाँ खड़ी होकर जीवन चला रही है, ये नहीं है कि रोटी लिया हूँ? रोटी तो तूने बनाई नहीं, कम से कम एक गिलास भट्ठा तो लिया, उससे ही पेट भर लूंगा मैं। जा जल्दी लेके आ। ठीक है जी, लेके आई। पता नहीं इसको मौत कब आएगी, पूरे दिन में ना एक भी काम नहीं करती, पता नहीं यार मेरे नसीब में कहाँ से लिखी गई है, मेरी जिंदगी खराब करवा दी। जी वो क्या मट्ठा भी नहीं है क्या? वो जी क्या कर रही है, साफ साफ बता क्या बात है। वो आज मट्ठा चलाना याद नहीं रहा, आप रुको मैं 10 मिनट में लेके आती हूँ। ए भगवान, ऐसी बहू मेरे ही पल्ले पड़ी थी क्या जो तुमने मेरे गले में गलवा दिया? आपको क्या हो गया, पहले तो आप मुझसे बहुत प्यार करते थे, अब ऐसा क्यों बोल रहे हो? ओए जीवान तो कम चला, सिलेंडर अपने आप भर के ले गई हो, ठीक है मुझे कोई काम बताने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे बता रहा हूँ बस तुझे। हे भगवान इन्हें क्या हो गया है, हे भगवान इन्हें सही रास्ते पे लाओ। बेटा जी। पिताजी आज बड़ी ठंड सी महसूस हो रही है, गरम गरम एक कप चाय बना लो।
पिताजी चाय तो बना देती पर गैस खत्म हो गई है। कोई बात नहीं बेटी, तेने गैस की अमित को ना बताई? बताई थी पिताजी। बताई थी तो तू चिंता मत कर, वो अपने आप भरवा लाएगा। पिताजी उन्होंने गैस भरवाने के लिए मना कर दिया। क्या, अमित ने गैस भरवाने के लिए मना कर दिया? बड़ी अजीब बात है, कहीं तैने तो कुछ ना कह दिया उससे? नहीं पिताजी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। पिताजी अब सिलेंडर का क्या होगा? तू चिंता मत कर, मैं विनोद को फोन कर देता हूँ, वो पहुँचा देगा सिलेंडर। ठीक है पिताजी। तू एक काम कर, मेरा थैला ला दे, मुझे बाजार जाना। ठीक है पिताजी, अभी लाई। हमारे इस अमित को तो घर परिवार के बारे में कोई चिंता ही नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ लगा रहता है। लो पिताजी। स्वाति बेटा, मैं कुछ लेट आऊंगा, विनोद आएगा सिलेंडर लेके, उसे पैसे दे देना। ठीक है। अरे विनोद को सिलेंडर के लिए फोन कर देता हूँ। हेलो बेटा विनोद। हेलो। हाँ चाचा जी। बेटा हमारे घर एक सिलेंडर जाना। हाँ कोई बात नहीं चाचा जी, आप अमित को भेज देना, ले जाएगा। बेटा अमित घर पर नहीं है। ठीक है तो चाचा जी, मैं पहुँचा दूंगा। ठीक है बेटा। ये अमित भी पता नहीं क्या करके रहेगा। चलो और कम बाद में करूंगा, पहले चाचा जी का सिलेंडर पहुंचाऊं। भाभी जी, मैंने आपका सिलेंडर लगा दिया है। जी भैया जी, आपके पैसे कितने हो गए? भाभी जी पैसे हमारे 1050 हो गए। भैया आप रुको, मैं पैसे लेके आती हूँ। अरे सुनो सुनो भाभी जी, आप रहने दो, मैं चाचा जी से ले लूंगा पैसे। भैया पिताजी पैसे दे के गए हैं, मैं अभी लेके आती हूँ। ठीक है भाभी जी। भैया जी ये बता, विनोद की हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? वो जी वो सिलेंडर लेके आए थे। क्या सिलेंडर देना आया था, तो उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जवान लड़ाने की? मुझसे जवान लड़ा गया वो अभी। वो तो सही कह रहे थे जी, सिलेंडर तो आप भी ला सकते थे। ओए सुन, मैं तेरा और तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे इशारों पर नाचूं। इसमें नौकर बनने की बात क्या है जी, अपने काम में कोई नौकर थोड़ा ना होता है। ओए ज्यादा भाषण मत दे, अब तो सिलेंडर आ गया ना, जाकर रोटी बना चल। देखो एक काम करो, जितने हाथ तुम्हारे मारने में चलते हैं ना, उतना खाना बनाने में भी हाथ चला लो। क्या खाना मैं बनाऊंगा? तुझे किस लिए लाया हूँ मैं यहाँ पे, हैं? जाकर खाना बना ले, जीवन चलाने को जरूरत तो नहीं है। अगर तुम खाना बना ही लोगे तो इसमें क्या हर्ज है? क्या हर्ज है आज तुझे बता ही दूं, मुझे क्या हर्ज है? ओए जाकर खाना बना ले, नहीं तो तुझे ड्रोन से मार दो। ड्रोन से? ये नहीं, तुम्हें खाना बनाने में हर्ज है, बल्कि तुम कितने कमजोर पति हो जो सिर्फ अपनी पत्नी पर ही अत्याचार कर सकता है। मुझे मारने पीटने में तुम्हें बहुत खुशी मिलती है ना, तो एक काम करो ना, मुझे जान से मार दो। पिटने छिटने के बाद भी तुझे चैन नहीं आ रहा है? पूरे मोहल्ले में चीख चीख के बता देना कि मैं तुझ पर कितना अत्याचार करता हूँ। ओए अगर आगे से मुझसे जवान चला दी ना, तो मारते मारते तेरी खाल तार लूंगा। चाचा राम राम। राम राम बेटा, और कैसा है तू? हाँ चाचा मैं तो ठीक हूँ, पर उस अमित को थोड़ा सा समझा दियो। क्या हुआ बेटा विनोद, अमित ने तुझसे कुछ कह दिया क्या? चाचा कुछ कहा था, मैं तभी तो बता रहा हूँ, अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो उसके हाथ पैर तोड़ देता। बेटा विनोद, अमित की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं चाचा जी, कैसी बात कर दी, आप तो मेरे पिता समान हो, और पिता बेटे के सामने हाथ नहीं जोड़ा करते। बेटा एक तू है, तेरे कितने अच्छे संस्कार हैं, और एक वो है अमित,
मैं क्या कहूँ। चाचा जी, इसमें उसकी गलती नहीं है, ये तो गलत संगत में बैठने का नतीजा है जो गलत चल रहा है। बेटा, मैंने उसे बहुत बार समझा लिया पर मेरी तो एक सुनता ही नहीं है। चाचा जी, अगर आज आपकी बात नहीं मान रहा तो एक दिन उसको आपकी बात माननी पड़ेगी। चाचा जी, जब तक इंसान को टक्कर नहीं लगती तब तक उसे बुद्धि नहीं आती है। पता नहीं बेटे वो दिन कब आएगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। ठीक है चाचा जी। अमित, अमित, अरे कहाँ है बारा? जी पिताजी, क्या हुआ? बेटा स्वाति, यू बता, यू नालायक अमित कहाँ है? पिताजी, वो तो अंदर सो रहे हैं। अच्छा, वो लाट साहब अंदर सो रहे हैं, उसे बुला के ला। ठीक है पिताजी। हाँ, क्या बात है, कैसे शोर मचा रखा सुबह सुबह? अच्छा, आज तुझे इस बाप का बुलाना भी शोर मचाना लग रहा? उस दिन को भूल गया जब तू शोर मचाया करता था और ये बाप चुप चुप सुनता था। मेरे पास इतना टाइम ना, जो भी तुम्हें कहना साफ साफ कहो। क्या कहा? तेरे पास अपने बाप की भी बात सुनने का टाइम नहीं है? हाँ नहीं है। मैंने सोचा भी नहीं था कि तू ऐसा निकलेगा। भगवान मुझे तेरी जगह एक बेटी भी दे देता तो मैं धन्य हो जाता। पिताजी, आप कैसी बात कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। अरे, माता पिता तो भगवान होते हैं, हमें उनकी सेवा करना चाहिए। तुम तो उनकी बेइज्जती कर रहे हो। मुझे तो खुद पे शर्म आती है कि मैं तुम जैसे पति की पत्नी हूँ। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऊंची आवाज में बोली? नीच, अपनी इस गंदी जबान को लगाम दे वरना। वरना क्या, तुम मारोगे मुझे, मारो। बेटा, यही दिन देखना था वो भी देख लिया। आज से एक बात ध्यान रखना, मैं तेरे लिए और तू मेरे लिए मर गए हैं। आगे जो तेरे जी में आए सो कर। पिताजी, पिताजी, आपको ये क्या हो रहा है? आप खड़े क्यों हो? पिताजी को देखते क्यों नहीं हो? मुझे देखने की कोई जरूरत ना है, तू ही बन इनकी हैजरी। पिताजी, आप थोड़ा तसल्ली रखो, मैं किसी को देखती हूँ जो आपको डॉक्टर के पास ले जाए। भैया जी, पिताजी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना है। चलो तो चलो भाभी, जल्दी चलो। चाचा जी, भाभी जी, चाचा जी की तबीयत ज्यादा खराब है, इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। अमित भाई, चाचा जी को अस्पताल लेके चलना, चलता क्यों ना? भाई, मुझे ज्यादा धर्म कर्म की जरूरत ना, मेरी ओर से ही मरो या जियो, मुझे कोई मतलब नहीं। अमित, चाचा जी को नहीं पता था कि तू इतना नीच निकलेगा, वरना तू अनाथ को कभी भी चाचा जी अपना बेटा नहीं बनाते। क्या, मैं अनाथ हूँ? पिताजी मुझे अनाथ आश्रम से लेकर आए थे। हाँ जी भैया, ठीक कह रहे हैं, पिताजी तुम्हें अनाथ आश्रम से लेके आए थे और पिताजी ने तुम्हें सहारा दिया, पिताजी ने तुम्हें इतना बड़ा कर दिया। स्वाति, ये बात तुम्हें भी पता थी है? और तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्या बताती तुम्हें, कि तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, तुम्हारे माँ बाप का कोई पता नहीं है? ए भगवान, ये मैंने कैसा नर्क कर दिया, जिसने मुझे अपना नाम दिया, अपनी पहचान दी, रहने को घर दिया, और मैं उसी को उल्टा सीधा बोल रहा हूँ। और मैंने उस इंसान का अपमान किया, धिक्कार है मुझ पर कि मैंने इतने अच्छे इंसान को बुरा भला कहा। पिताजी, मैं तो तुमसे माफी मांगने लायक भी नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो पिताजी। स्वाति, चलो पिताजी को अस्पताल लेके चलते हैं। नहीं बेटा अमित, मुझे इस उम्र में अस्पताल की जरूरत नहीं है, मुझे तो तेरे प्यार की जरूरत है। जब तुझे अपनी गलती का एहसास हो ही चुका है तो मुझे इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं। पिताजी, बातें तो बाद में भी हो जाएंगी, पर आप हॉस्पिटल चलो, चलो पिताजी। नहीं बेटा, अब मैं ठीक हूँ। पिताजी, तुम मुझे माफ कर दो, आज के बाद तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, आज से तुम्हारा बेटा काम करेगा, जहाँ पे भी जो भी काम होगा मैं करूँगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। स्वाति, मैं तुमसे भी हाथ जोड़ कर मांगता हूँ माफी, देखो मैंने तुम्हारे पर बहुत अत्याचार करा है,
स्वाति, मैं आज के बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। अब आप माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत करो। पिताजी मैं खेत में चल रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। स्वाति मैं खेत में जा रहा हूँ, तुम पापा का ध्यान रखना। अच्छा टाइम पे घर आ जाना। ठीक है मैं टाइम से घर आ जाऊँगा और तुम खाना बना के रेडी रखना। ठीक है दोनों साथ में खाएंगे। चाचा जी मैं भी चलता हूँ।